मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इस बार ईद का कैसा रहा और लोगों का क्या उल्लास रहा। तो अगर देखा जाए तो इस बार जो ईद है वो अगर हम कंपैरिजन करें तो 25% ही लगभग लोगों ने मान लिया है, चाहे वो सिर खुरमे का सामान हो या फिर और कुछ कपड़े की खरीदी वगैरह हो। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे भारत देश में कोरोना फैल चुका है और वो हर कम्युनिटी में वायरल हो गया है, यानी इसमें ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के अंदर ये फैल रहा है और हमें इसको काबू करना है। इसलिए हमको सबको साथ में मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये किसी एक व्यक्ति की या किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और इस वजह से लोगों हमें जहाँ लोगों में ये घबराहट फैल गई है कि जिस तरह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है और लोगों के अंदर एक बेचैनी हो गई है कि जो अपने आसपास उन्होंने डेथ देखे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, इस वजह से लोगों ने घबराहट की वजह से ही कम खरीदी करी है। और ये करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ कि आज के हालत के हिसाब से हम जितना अपना पैसे बचा सके बचाना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर ईद में नया कपड़ा पहने, कहीं भी ऐसा नहीं है। आप अच्छा लिबास पहनो, साफ़ सुथरा लिबास पहनो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार नया लिबास पहनो या हर बार बहुत ज़्यादा खाना खाओ, बहुत ज़्यादा सिर खुरमा बनाओ। आप जहाँ 2 किलोमीटर का बना रहे हो वहाँ 1/2 किलोमीटर का बना के, हमारा अभी फ़िलहाल ये है कि हम एक तो इस बीमारी को कवर करना है और इसमें कितना वक्त लगेगा। बहुत सारे लोगों के इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो चुके हैं, गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, बसेस के ड्राइवर है, और इस तरह से लोग हाथ ठेले पे माल बेचते थे, कपड़े वाले दीगर वाले, इन लोगों के पूरे सोर्सेस पूरे ख़त्म हो चुके। तो इन्होंने अभी इस वक्त में अपने पूंजी को बचाकर ही काम करना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी त्यौहार हो, किसी भी समाज का त्यौहार हो, उसमें बेवजह खर्चा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रहा नमाज़ों का, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का मसला, तो इस वक्त इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट के पूरी तरह साथ हूँ कि महाराष्ट्र सरकार खास करके उद्धव ठाकरे जी ने पूरी बहुत अच्छे से कोशिश की है कि इस कोरोना को यहाँ कंट्रोल करने की। एक वक्त ऐसा था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, लेकिन वो 60,000-70,000 के पेशेंट पे भी इस गवर्नमेंट ने जो काम करी है, अभी दूसरे स्टेट को हम देख रहे हैं जहाँ 20,000 और 10,000 पेशेंट है, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि हमारे पास वीडियोज़ आ रहे हैं कि लाशें जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, गंगा में बहा दी जा रही है। या आज ही मैंने वीडियो देखा, और इस तरह से दूसरे हॉस्पिटल्स के लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं कि उनके हाल क्या किए जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ दूसरे मैटर है। तो इस मामले में महाराष्ट्र बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यहाँ के लोग और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको कोऑपरेट कर रही है। तो इस वक्त हमारी भी जनता की ये और व्यापारी नाते हमारी भी ये सोच बनती है कि हमें भी गवर्नमेंट को इस तरह से साथ देना चाहिए। जब गवर्नमेंट हमको साथ दे रही है और पूरी तरह से कोशिश कर रही है, अभी धारणी जैसे अस्पताल में मैं देखूँगा कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने, जबकि कोरोना सेंटर नहीं था, यहाँ कोरोना सेंटर खोले और फिर यहाँ के जो लोग ऑफिसर्स और हमारे यहाँ के आमदार राजकुमार जी पटेल ने मिलकर यहाँ ऑक्सीजन की मशीन लाए, 6-6 मशीन ला के, जो कि एक भी मशीन नहीं थी, और अच्छी तरह से उसको कवर कर रहे हैं। जबकि यहाँ हमारे आसपास भी कोरोना बहुत फैल चुका है, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन अपना काम कर रहा है और जिस हिसाब से वो मुस्तैदी से लगा के, खास करके हमारे एरिया में जो मैडम है SDO मैडम मिथाली सिटी में, उनकी वाकई में तारीफ करूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई किया और हर बार हर चीज़ वो मुस्तैदी से करती है। तो उस और पुलिस प्रशासन हमारे कुलकर्णी साहब में देखता हूँ कि रात दिन वो बाहर देखते रहते हैं लोगों के, हमारे तहसीलदार साहब है इस तरह से। तो इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कोऑपरेट करें। अगर हम उनको कोऑपरेट करते, क्योंकि ये उनका पर्सनल काम तो नहीं है, ये उनके काम के अंदर एक एडिशनल काम आ गया। उनको जो जॉब करना था, जो उनके काम थे, उसमें ये कोरोना उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। उसमें वो बेचारे ऑलरेडी मानसिक तनाव में है, बहुत सारी उनको जब डेथ हो और इस तरह से अलग अलग मैसेज आते हैं, ये सब चीज़ें होती है, या कहीं कानून का उल्लंघन होता है या पब्लिक का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दबाव उन पर आता है। तो इस वक्त हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे बिजनेस में या मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जहाँ नमाज का मसला है तो नमाज घर में भी हो सकती है, नमाज़ें घर, इसके लिए भी शरीयत से इजाज़त है। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी मौजूद है कि इस हालत में जब एक बीमारी फैल रही है तो आपको क्या करना है। इस्लाम भी पूरी तरह से इसको गाइडलाइंस करता है कि आपको घर में ही रहना है, आप उससे उस प्लेस पे जाना नहीं है जहाँ ये बीमारी फैल रही है, और जिन लोगों के अंदर ये बीमारी फैल चुकी है उनको भी बाहर नहीं निकलना है कि वो कम्युनिटी स्पायरल करे। अब अगर बहुत ज़्यादा जो एक जगह भीड़ होंगी और अगर उसमें कुछ 2-4 लोग भी इन्फेक्टेड है तो वो असर उस कम्युनिटी पे पूरी तरह से पड़ जाएगा, और जब ये इतनी बड़ी तादाद में फैल जाएगा तो किस तरह से हम इस बीमारी को कवर कर पाएंगे। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि हम प्रशासन को पूरा साथ दें और
प्रशासन जिस तरह से लड़ रहा है उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारी और उनकी मिलकर लड़ाई है। आज हम हमारे आसपास ही देखते हैं कि कितने लोग हमारे बीच में इस साल भर के अंदर चले गए और अभी थर्ड वेव की और चांसेस है। और उसी के साथ साथ मैं एक और मैसेज दूंगा कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटी वैक्सीनेशन के बारे में बहुत पीछे है। जहाँ तक दूसरे लोग अभी 45 एज के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने वैक्सीनेशन ले चुका है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी इस बारे में थोड़ा सा पीछे। तो मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप दूसरे मुस्लिम मुल्कों को देखिए, सऊदी अरब ने खुद इंडिया से वैक्सीनेशन बुलाई ही, यहाँ से 35 लाख वैक्सीनेशन बुला के वहाँ के नागरिकों को लगवा दिए, उन्होंने ख़रीद के लगाया, हमको यहाँ फ्री में मिल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं खुद लगवा चुका हूँ। तो हर आदमी ने वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उसके बाद हम भरोसा अल्लाह पे रखें, तवक्कल अल्लाह पे रखें। बाद में अगर कुछ होना है और किसी का कुछ होना है तो उसे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी है। प्रिकॉशन इज़ बेस्ट देन प्रिवेंशन, इलाज से बेहतर परहेज है। इसलिए हम इसका पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।